किरोड़ीलाल मीना के भाई को यहाँ टिकट मिला है, क्या मानते हैं इस बार दोसा का गणित कैसे बदलने वाला? सोच पर आधारित उनकी संकल्पना को पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताई। अपराध मुक्त राजस्थान में उन्होंने स्पष्ट निर्देश दे रखे हैं कि अपराधी कोई भी किसी भी जाति किसी भी समाज का कितना भी बड़ा व्यक्ति हो। अब की बार भारतीय जनता पार्टी 7-7 जीतेगी और 7-0 होगा। झुंझुनू में बीजेपी, देवली उनियारा में बीजेपी, खीवसर में बीजेपी, आपके 84 में बीजेपी, सलमपुर में बीजेपी, रामगढ़ में बीजेपी और दौसा। क्या लगता है आपको सैलुम्बर और 84 के लिए ही हम जानना चाहेंगे विशेष कर? वहाँ आदिवासी समाज को भ्रमित करने का प्रयास किया था, कभी भील प्रदेश के नाम पर कभी दूसरी। का ब्राह्मण पूरी तरह एकजुट है और तमाम जो जातियों के वोट आपको मिल रहे हैं उनमें ब्राह्मण भी अपनी है। ब्राह्मण समाज भी उनकी सोच को पोषित करते हुए भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा होकर के। राजस्थान में उपचुनाव है, स्कोर बीजेपी का 6-1 है, लेकिन इस बार सत्ता है और सत्ता के आधार पर 2023 के परिणाम 24 में बदलने की तैयारी है। हमारे साथ जवाहर सिंह बेडम है, कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी ग्राउंड लेवल पर मजबूत हो और ये कोशिश कानून व्यवस्था में भी दिखाई देती है क्योंकि जिम्मेदारी आप ही के पास है। हम दौसा में है, बड़ा मुद्दा रहता है, चुनावी मुद्दा एक रहता है कि कानून व्यवस्था बेहतर रहे उस पार्टी को वोट देंगे। आपकी पार्टी की सरकार है और आप ही के साथी किरोड़ीलाल मीना के भाई को यहाँ टिकट मिला है, क्या मानते हैं इस बार दौसा का गणित कैसे बदलने वाला? देखिए, मैं पिछले 15 दिनों से यहाँ दौसा के गांव-गांव ढांडी-ढांडी जा रहा हूँ, शहर में भी काफ़ी लोगों से मेरी चर्चा हुई है। एक बात की गारंटी तो मैं दे सकता हूँ, प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी के स्पष्ट निर्देश हैं अपराध मुक्त राजस्थान। अपराध मुक्त राजस्थान में उन्होंने स्पष्ट निर्देश दे रखे हैं कि अपराधी कोई भी किसी भी जाति किसी भी समाज का कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, अपराध के खिलाफ कठोर कार्रवाई करेगी और उसका स्थान सलाखों के पीछे वो सुनिश्चित करते हैं। मैं प्रदेश के गृह विभाग में राज्य मंत्री हूँ, मैं यहाँ के लोगों को आश्वस्त कर देना चाहता हूँ, कानून व्यवस्था बनाए रखना और शांति व्यवस्था बनाए रखना हमारा परम कर्तव्य भी है, ध्येय भी है, हम पूरी ताकत के साथ उसको करेंगे। जहाँ तक उपचुनाव की बात है, यहाँ सभी वर्गों के लोग एक ही बात सोच रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री जब पानी की बात करते हैं लाने की, प्रदेश के मुख्यमंत्री जब सड़कें अच्छी बनाने की बात करते हैं, जब युवाओं को रोजगार देने की बात करते हैं, वो यहाँ कानून व्यवस्था ठीक करने की बात करते हैं, एजुकेशनल हब बनाने की बात करते हैं, तो निश्चित रूप से सुशासन जब स्थापित हुआ है तो प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सोच पर आधारित उनकी संकल्पना को पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताएंगे। स्कोर जैसे मैंने शुरू में कहा 6-1 था, पूरी उम्मीद है स्कोर तो बदलेगा, लेकिन कितना बदलेगा? अब की बार भारतीय जनता पार्टी 7-7 जीतेगी और 7-0 होगा, विपक्ष के लोग 0 पे पहुंचे। देवली उनियारा का क्या सीन आपको लगता है? भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, पक्की बात है, 100% है। झुंझुनू में ओला परिवार, 100% बीजेपी जीत रही है। झुंझुनू में बीजेपी, देवली उनियारा में बीजेपी, खीवसर में बीजेपी, आपके 84 में बीजेपी, सलमपुर में बीजेपी, रामगढ़ में बीजेपी और दौसा में बीजेपी। 84 और सलमपुर के लिए आपसे सवाल करूंगा, बेहद महत्वपूर्ण सीटें हैं आपके लिए, वो इसीलिए कि वनवासी परिषद वहां काम करती है और इस बार माइक्रो मैनेजमेंट आपने दिखाया है और आपसी फूट बाप पार्टी की है, तो क्या लगता है आपको सैलुम्बर और 84 के लिए ही हम जानना चाहेंगे विशेष क्या? देखिए, वहाँ कुछ लोगों ने वहाँ आदिवासी समाज को भ्रमित करने का प्रयास किया था, कभी भील प्रदेश के नाम पर कभी दूसरी चीज़ों के नाम पर, लेकिन जब धरातल में चीज़ें गई, जब उनके विकास की सोच यदि किसी ने प्रतिपादित की और भारतीय जनता पार्टी ने की, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग नीचे तक जा करके उनको राष्ट्र की मुख्यधारा में जोड़ने का जो काम करते हैं, अब उनका सोच निश्चित रूप से बदला है और जैसे पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े थे, अब इन लोकसभा और पिछली विधानसभा के चुनावों को देखते हुए उन्होंने देखा कि ये लोग भ्रमित करके अपने सत्ता सुख भोगने के लिए लोगों का उपयोग करते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के साथ वहाँ का युवा खड़ा है, वहाँ की महिलाएं खड़ी हैं, वहाँ के बुजुर्ग खड़े, सब लोग एकजुट होकर के बीजेपी के साथ खड़े होकर के दोनों सीटों को बीजेपी के। अंतिम सवाल दौसा की जमीन पर है और उस कार्यक्रम में है जहाँ ब्राह्मणों से जुड़ा हुआ कार्यक्रम हो रहा है और ये महत्वपूर्ण इसीलिए है कि CM भजनलाल शर्मा ने मीटिंग भी ली और कहा कि दौसा के ब्राह्मण एकजुट है और कोई ऐसी बात नहीं है जिससे लगे कि कोई सामान्य सीट पर मीना उम्मीदवार बीजेपी ने उतारा, लेकिन जगमोहन मीना भी कह चुके हैं तो मैं तो सरल और सादगी से ही ब्राह्मण दिखता हूं। इस पूरे आकलन में आपको क्या लगता है, दौसा का ब्राह्मण पूरी तरह एकजुट है और
तमाम जो जातियों के वोट आपको मिल रहे हैं उनमें ब्राह्मण भी अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। देखिए आदरणीय भजनलाल शर्मा जी सभी जाति वर्गों को साथ लेकर चलकर इस राजस्थान को विकास के उच्च पायदान पर ले जाकर स्वर्णिम राजस्थान बनाना चाहते हैं। ब्राह्मण समाज भी उनमें एक है। निश्चित रूप से ब्राह्मण समाज भी उनकी सोच को पोषित करते हुए भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा होकर के जगमोहन मीणा को भारी बहुमत से चुनाव जिताएगा। थैंक यू। तो आप थे जवाहर सिंह बेडम और जवाहर सिंह बेडम ने स्पष्ट कहा कि दौसा में बीजेपी जीतेगी और 7-0 का स्कोर राजस्थान में करेगी। खैर उपचुनाव अपनी रंगत में है और इस रंगत के कई रंग हम आपको राजस्थान चौक पर दिखा रहे हैं। मेरे सहयोगी जसबीर सिंह गुजर और वीडियो जर्नलिस्ट सुरेश शर्मा के साथ अंकित तिवारी, राजस्थान चौक, दौसा। मैं पूरे देश और प्रदेश और राजस्थान के सभी लोगों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ इस पावन पर्व दीपावली पर। प्रदेश के सभी व्यापार उद्योग जगत के लिए दीपावली के हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। माँ लक्ष्मी की कृपा आप सब पे बनी रहे। सभी प्रदेशवासियों को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी OBC विभाग की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाला वर्ष आपके लिए मंगलमय हो।